उत्तर प्रदेश की रामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रामपुर पुलिस ने 5 लाख से ज्यादा की कीमत के मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने यह मोबाइल गुमशुदगी एवं चोरी के मामलों में दर्ज शिकायतों के आधार पर सर्विलांस की मदद से बरामद किए हैं। रामपुर एसपी अशोक कुमार ने इस अभियान में शामिल सभी पुलिस कर्मियों की सराहना की। INA के लिए रामपुर से संवाददाता कामरान अमीर की रिपोर्ट। ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप सुनते रहते हैं, मोबाइल हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, अ पार्ट ऑफ बॉडी यूवेन से। तो जिसका मोबाइल छिन जाता है, रुपए से अधिक खलता है उसको, उसके डाटा चले जाते हैं, फोटो चले जाते हैं, वीडियो चले जाते हैं, तमाम सारी उसकी बेहतरी चीज़ें चली जाती हैं। ये मोबाइल खोते रहते हैं, नेचुरली खोता रहता है, तो सूचनाएँ मिलती रहती हैं। हमारी टीम लगी हुई थी, अभी पिछली बार भी हमने करीब ऐसे ही 25-30 संख्या बरामद किया था। उस टीम ने आज फिर करीब 45 मोबाइल आपके सामने रखे हैं, ये 45 एंड्रॉयड के अच्छे मोबाइल, महंगे मोबाइल, इनको बरामद किया है। किसी का खो जाता है, कहीं छूट जाता है, कहीं मिल जाता है, इस तरह से है, तो उनको कलेक्ट करके उनको दिया गया है। जिन लोगों के खोए थे उनको दिया गया, एक अच्छी मुहिम है। तो ये हमारी टीम काम करती रहती है। और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई रखने लगा है, और हर कोई रखता है तो फिर गिरता भी रहता है, छिनता भी रहता है, जो चुरा भी लेते हैं। कुल मिलाकर के एक अच्छी सफलता, करीब 5,25,000 रुपये के मूल्य के 45 हज़ार मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 30 व्यक्ति हमें मिल गए हैं जिनके खोए थे, उनको हम वापस कर रहे हैं। और अभी 15-20 लोग हैं जिनका मुझे कनेक्ट करना है किसका था। सर, ये मैं तहकीकात कराऊँ, मैं खुद ही कह रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी चोरी गया हो, वो आपने न लिखा हो, ये सब मैं तो खुल के बात करता हूँ सारी चीज़ों पे। अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक करेंगे। अगर हम देखेंगे इसको, हम इन लोगों से बात भी करेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उसकी मोबाइल मिल गई, मान लीजिए, तो दैट कैन सेटिस्फाई ऑल द क्वेरीज। जगह जगह से बरामद हुई हैं। अभी नहीं, कोई हिरासत में नहीं है। जिससे जिसको बताया गया भाई तुम मोबाइल कहाँ पाए, फलास कहाँ पाए, वो हमको दे दिया ला करके, किसका था ढूंढा गया, उसको दे दिया गया। तो एक तरह से इसमें कोई अपराध की बात नहीं आई, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। अगर ऐसी भी कोई बात आती है, किसी का चोरी गया होगा, लूटा होगा, उसने ऐसे बता के दे दिया होगा, तो वो भी कर रहे हैं।